हाँ भाई, क्या हाल है? सबसे पहले तो यार वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम जो नेक्स्ट दो मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप में, जो कि हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन जो चल रही है जिसके बारे में हम डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं मजीद ऐड ऑन करूंगा। जो हमारा नेक्स्ट मैच हुआ, इट वॉज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन का टारगेट दिया और इंडिया ने उसको वन साइडली मैच जीत लिया। एज आई सेड बिफोर एज वेल के मुझे ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि बिकॉज उनके पास एक होम एडवांटेज भी था, और मोर देन दैट ऑस्ट्रेलिया स्पिन पे थोड़ा सा जो है वो स्पिनिंग पिचेस पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, और जो कि हमने देखा भी कि उसने स्ट्रगल किया। कुलदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, एश्विन उनके पास बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर मौजूद था, जबकि एज कम्पेयर टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह का बॉलर कोई मेरे ख्याल से मौजूद नहीं था। जैम्पा ने बॉल कराई बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं नजर आया। मैक्सवेल था, वो भी एक एज एन पार्ट टाइम बॉलर है, स्पिनर है, तो उनके पास कोई रेगुलर स्पिनर जैम्पा के अलावा जो कि परफॉर्म नहीं कर सका इतना खास, वो नजर नहीं आया। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाए, और जब बॉलिंग की बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट में तो इंडिया को दबा दिया था। दो रन ने तीन खिलाड़ी आउट कर दिए थे, और उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल से, यू कैन नॉट ड्रॉप विराट कोहली, ही इज अ मैच विनर, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और ही नोज हाउ टू फिनिश द मैच, ही नोज हाउ टू कैरी द मैच, ही नोज हाउ टू हैंडल द प्रेशर स्पेशली। उसके साथ साथ आप एक चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, एंड दैट इज के एल राहुल की बैटिंग। KL Rahul was exceptional. I would say हम सारी ये बात करते हैं कि विराट कोहली बहुत फिट है और उसकी फिटनेस के बारे में बात करते हैं, बट हमने ये नोटिस नहीं किया कि विराट कोहली के साथ KL Rahul 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद, कीपिंग करने के बाद, he was running very hard between the wickets, he was very active between the wickets, और उसने बहुत एक्सेप्शनली बहुत अच्छा खेला और बिल्कुल विराट कोहली का साथ दिया इस रन चेस के अंदर। एंड कोई चांसलेस इनिंग्स, कोई इस तरह का उसने कोई लूज शॉट नहीं खेली, कोई इस तरह की चीज नहीं खेली जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि यार के एल राहुल जो है वहां पे कोलैप्स कर सकता था कुछ इस तरह। इनफैक्ट कोहली को एक चांस मिला जो कि अगर शायद मेरे ख्याल से अगर कोहली का कैच वहां पे कर लिया जाता, आई वुड से कि वो कीपर कैच था, बट स्टिल कमिंस ने अटेम्प्ट किया और वो नहीं कर पाया कैच, उसे ड्रॉप हो गया। अगर वहां पे कोहली का कैच कर लिया जाता तो माइट बी ऑस्ट्रेलिया वहां पे झपट्टा मार लेता उनको, इंडियंस को, और आगे हिलने ना देता। बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, आई वुड से एक प्रेशर गेम होता है, क्राउड भरा हुआ था। आई वुड से के यार इट वाज ऑल अबाउट द होम ग्राउंड प्रेशर। इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि देवर हैविंग देयर होम ग्राउंड, देवर हैविंग देयर ओन क्राउड, और ये नहीं कि छोटी मोटी तादाद में, इट वॉज आई गेस हाउसफुल, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जिसकी वजह से जो है वो ऑफकोर्स दूसरी टीम पे प्रेशर होता है। सो खैर वो वन साइडेडली मैच मेरे ख्याल से इंडिया ने निकाल दिया और एक साइड पे करके रख दिया, और बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली। नेक्स्ट मैच था जी न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का। यार आई फील लाइक के नेदरलैंड्स किसी को सेटबैक तो देगी, बिकॉज आई वॉज फीलिंग के पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 200 कर लिया, बट इट वॉज नॉट ओनली पाकिस्तान, they actually scored 200 plus against New Zealand as well, जिनके पास world class of course spinners भी हैं, fast bowlers भी बहुत अच्छे हैं, सेंटनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। although के इन New Zealand मैच जीत गया, but it was a good attempt by Netherlands as well, और I am thinking या मेरी ये prediction है, you can say कि यार ये किसी एक ना एक को ये setback अच्छा वाला देंगे, जिस तरह last time इन्होंने अफ्रीका को दिया। और New Zealand as usual their intentions are very clear, they are playing beautiful cricket, they are playing brutal cricket, aur jo ke required hai world cup ke liye, world cup campaign ke liye unki, their intentions are very clear, they are very focused to the tournament, aur I would say ke they are here to win, I guess, matlab wo bahut clear intentions ke sath aaye hain, wo last time bhi mujhe lagta hai wo apna jo unhone apne dimag mein wo abhi tak bhadas rakhi hui hai aur wo har team ke sath nikal rahe hain, to bahut acha second match bhi hua and न्यूजीलैंड ने वो मैच भी जीत लिया एक अच्छे मार्जिन से, और न्यूजीलैंड आर टॉप ऑफ द टेबल राइट नाउ, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, एंड बांग्लादेश आर ऑन द फोर्थ, एंड द सेकंड वन इज आई गेस इंडिया, आई वुड से या आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन और रॉन्ग। तो यार ये सीन्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग मोर, के यार
जॉस बटलर ने एक स्टेटमेंट दिया है एंड ही इज सेइंग के आउटफील्ड इज नॉट गुड, और जॉस बटलर की तरफ से स्टेटमेंट आना इज अ बिट अलार्मिंग है, यू वुड से, आई वुड से इन फैक्ट, कि एक बड़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर एक मेन इवेंट के बारे में ये बात कर रहा है कि यार आउटफील्ड, उसका जो कंक्लूजन था वो ये था, वो कह रहा है कि यार वी आर नॉट, यू नो, वी आर नॉट रेडी टू अटेम्प्ट ऑन द बॉल एज वेल एंड वी कैन नॉट रेजिस्ट आवरसेल्फ एज वेल. उसका रीजन ये है, वो कह रहा है कि आउटफील्ड इतनी अनइवन है कि इंजरी का भी डर है एंड वी कैन नॉट इंजर आवरसेल्फ जस्ट बिकॉज के एक बड़ा इवेंट है और हम लोग अपना बेस्ट भी देना चाहते हैं एंड वी वॉन्ट टू ट्राई ऑन दैट, लाइक वी वॉन्ट टू गिव आवर एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड. तो वो उसका एक मेरे ख्याल से एक सवालिया निशान था कि यार एक बड़े इवेंट में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो कि उसका एक राइट भी है, वो कह सकता है ये चीज़. बट आई एम वेरी सरप्राइज कि एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्ले IPL हेयर. तो जब वो IPL यहाँ पे खेलते हैं एट दैट टाइम they don't give statements like that in the main event like World Cup, unki ye statement aa rahi hai jo ki unka ek personal right bhi, of course he can give this statement because ek bada event hai, 4 saal baad ek event aata hai, to ye cheeze bahut ensure honi chahiye ki each and everything is provided very, you know, managed and very well maintained. So yeah, that was it from the Jos Buttler side. Baat kar lete hain agle do matches ki. Aaj ek match hai जो मेन मैच है मेरे ख्याल से, दैट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका. माय पिक इज ऑफ कोर्स विद पाकिस्तान. बदला निकालना है यार, जब हम लास्ट टाइम हार गए सेमीफाइनल में इनसे, बहुत फेंटा लगाना है. मैं तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि यार पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे, ठीक ठाक फेंटा लगाए इनका और एक अच्छे मार्जिन से जीते एंड अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है उसको कामयाब रखे, उनको उसको कायम रखे एंड टेबल टॉपर रहे, अपना रन रेट बेहतर करें एज मच एज दे कैन. और माय प्रेडिक्शन इज विद पाकिस्तान, दैट्स अ मेन मैच फॉर मी. इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में आपसे मुलाकात दोबारा होगी. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.